फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं महिंद्रा XUV 700 लेने के लिए गाइज। तो गाइज तो हम लोग सुबह से वेट करते करते अब हम लोग को बच गए हैं, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो शाम के 7 बज गए और अभी तक हमारी व्हीकल रेडी हो नहीं पाई है और अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं। विक्रम क्या बोल रहे थे आप, जरा हमें बताना विजय को और मुझे। अरे मैं ये बोल रहा था कि अगर ये गाड़ी हाँ इसके अंदर अपन ने घुसा दी हाँ तो फिर क्या होता है ये पूछ रहा था। देख लीजिए पूरा भारत देख रहा है यहाँ आपको और आप बातें कैसी कर रहे हैं, मतलब ये गाड़ी यहाँ पे मार दी। तो आपने अभी थार की वो वीडियो नहीं देखी क्या? अरे वीडियो तो देखी है, तो जान मुझ के थोड़ा ना कर रहे हैं। तो जैसे लोग कम है इंडिया में, मैं यही पूछ रहा था। देखो गाड़ी चलाते आती है बहुत तेज, बहुत तेज। इसको नहीं आती, इसको नहीं आती विक्रम। अरे इसको मैंने सिखाया चलाना। किसको? विजय। कौन सी सारी इतनी नाम बताना गाड़ी का अगर सिखाई तो। देख तू एक तो गाड़ी मेरी लेके घूमता रहता तो किस किस का नाम बताऊं मैं। कौन सी? इको स्पोर्ट। हाँ नंबर याद करने के अलावा और क्या आता है आपको? सब आता है। RTO में काम करता था विक्रम पहले। विक्रम को हर इंसान का गाड़ी का नंबर याद है। ए विक्रम सब याद रहता है भाई, दैट इज मेमोरी। ओ ब्लूपर्स बन गए, ब्लूपर्स बन गए। तो भाई गाड़ी का वेट कर करके सुबह से चाय पी रात हो गई है आप देख सकते हो, पर गाड़ी नहीं आ पा रही हमारी रेडी। आ गई गाड़ी, आ गई वो, आ गई वो। वैसे आ तो गई है बट वो क्लियर नहीं दिख रही है अभी, आपको ऊपर से और क्लियर दिखाएंगे। ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी गाइस, अब यहाँ पे नहीं है जो कि नीचे पहुँच चुकी है। अब हमारे बे एरिया पर डिलीवरी बे जो है वहाँ पर जा चुके हैं, अभी हम लोगों ने एसेसरीज का भी वेट कर रहे हैं लगने का, और सुबह से हम लोग वेट ही वेट कर रहे हैं, बहुत वेट करा रहे हैं आज के लिए। कितने टाइम पे आए थे यार अपन? दोपहर में शायद 1 बजे आए थे। दो बजे हाँ। अभी दो बजे कितना बज रहा है आप देख रहे हो? 7 o'clock। फाइनली गाइज हम लोग की गाड़ी आ गई है और ये जो रेड क्लॉथ में खड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है ऐसे यूं करके उतारो और एक इंस्टाग्राम की रील बनाओ। फाइनली हम लोग आज अपनी XUV में हैं और मतलब बहुत ही स्मूथ गाड़ी है यार ये, आप देख सकते हो कि इसका स्टेयरिंग में मतलब एक अलग ही मतलब फील है यार, मतलब शानदार ही गाड़ी है। और आज हम लोग बाय रोड ग्वालियर जा रहे हैं, भोपाल टू ग्वालियर। तो मैं आपको पूरी ट्रिप का वो पूरा व्यू करवाऊंगा कि कैसी क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी की, और बहुत सारे इसके बीच में बहुत सारे आपको फीचर्स दिखाऊंगा कि क्या क्या फीचर्स इसमें हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर्स हैं। मेरी क्या है टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक, तो इसमें बहुत ज़्यादा कूल फीचर्स हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो चलते हैं। ये गाइस हम लोग के आगे VIP रोड है और आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार बनी हुई है और मतलब एक भोपाल की शान है, मतलब बॉम्बे में जैसे सीलिंग है और मरीन ड्राइव है तो ये यहाँ की भोपाल की मरीन ड्राइव है। गाइस यहाँ पर आज भीड़ नहीं दिख रही है, दोपहर के टाइम यहाँ भीड़ नहीं होती है क्योंकि भोपालियों का टाइम है रात का और शाम का। गाइस तो हम लोग एक आज रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, आप देख सकते हो पूरे उस पर भी कांच पे वो जम रहा है पूरा फॉग, इतना ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा अभी तो दूर है, तो गाइस हम लोग अभी कुछ खाने रुके हैं यहाँ पे बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, पूरे सुबह से हम लोग चल ही रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम भी था भोपाल में थोड़ा सा, तो वो भी बच गया था तो उसको भी करना ज़रूरी था। और अब हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा खाना वाना खाने, एक ढाबा है यहाँ पे, वहाँ पे विक्रम भाई ये देखिए, ये हमारे फैंस भी मिल गए हैं यहाँ पे थोड़े बहुत और आप देख सकते हैं। तो देख रहे हो यूट्यूब चैनल आजकल? हाँ देख रहे हो, वाह यार भाई क्या नाम है भाई लोग आपका? हाँ अंकित चौधरी। अंकित चौधरी बढ़िया, गर्मी ले रहे हैं अंकित चौधरी जी। और यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, भाई लोग यहीं काम करते हैं। और तो भाई हम लोग का खाना आ गया है, लच्छा पराठा बढ़िया, पनीर भुर्जी दाल वाल सब बढ़िया, प्याज व्याज काट के लाया है भाई हमारा, तो खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है तो हम लोग खाते हैं चलो। तो गाइज़ हम लोग का खाना हो गया है और बहुत ही ज़्यादा शानदार खाना था,
और भाई लोगों से बातें करके भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, हमें अंकल ने बताया यहाँ पे अजीत कुमार जो कि एक साउथ इंडिया का बहुत बड़ा एक्टर है वो भी यहाँ पे आके खा चुका है। और भाई लोग की बात करने का तरीका ही बहुत अच्छा है ना, तो इसलिए हर कोई इंसान मिलना चाहता है, बात बात करना चाहता है। यहाँ के जो लोग हैं स्टाफ हैं वो भी बहुत अच्छा है। ये भाई छोटा अंकित भाई ये भी बहुत क्यूट है। और ये इस अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है तो ये हाईवे पे पड़ता है, भोपाल से जब आप ग्वालियर जाते हो तो इसका नाम है न्यू चौधरी ढाबा। तो आप देख सकते हो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। और ये हमारे विक्रम भाई यहाँ से कुछ फिर से कुछ खाते हुए, इनका पेट नहीं भर रहा है, पूरा इन्होंने ही खाना खाया है बट तब भी इनका पेट नहीं भर रहा भाई का। अंकल आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है भैया निकलते हैं भाई। अंकित भाई ओके भाई बिल्कुल बिल्कुल, वापसी में भी आप लोग क्या ही खाएंगे भाई, बहुत अच्छा खाना था यार गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था। तो अभी हम लोग ग्वालियर के लिए वापस रवाना होते हैं, वरना हम लोग को अभी वैसे ही बहुत टाइम हो चुका है। आप देख सकते हो टाइम, ओहो 9 बज गया है, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तो बहुत ही टाइम हो जाएगा। बट कोई नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन लोगों से बात बात करके, तो चलिए हम लोग निकलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। और इस गाड़ी का एक और बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है, आप देखिएगा 80 के बाद इस गाड़ी का एक बूस्ट आता है हेडलाइट में, दिखेगा आप लोग को। ओहो ये देखा आपने, हेडलाइट अपने आप ही थोड़ी सी और ब्राइट हो गई है। इसमें एक्चुअली एक अलग ही फंक्शन दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। XUV 700 तो भैया मज़ा ही आ गया यार चला के, मतलब हाईवे की गाड़ी है और शानदार फीचर्स के साथ है गाड़ी। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे मोजिया करके होटल है ग्वालियर में, तो हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हम आपको रूम दिखाते हैं अपना। बहुत अच्छा रूम है, डिसेंट है, अच्छा रूम है। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग, कितने बजे निकले थे और अब पहुँचे हैं यहाँ पे, तो अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। विक्रम अभी हालत है क्या कुछ है? हालत नहीं बची है, बहुत थक गए, बट गाड़ी इतनी कंफर्टेबल थी तभी थोड़ा बहुत हम लोग को राहत मिला कि हम लोग कुछ ना करें, बट अब तो हिम्मत ही नहीं बची है गाइस। ओफो चलो देन गाइस, तो हम लोग आपको फिर एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करेंगे कल सुबह उठ के। तो गाइस चलते हैं।